14वें स्टेट में आ चुका हूँ मैं। ये देखो छत्तीसगढ़ सीमा प्रारंभ जिला मसामुंद थाना सिंघोड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो जी अभी मैं हूँ उड़ीसा में और ये आ गया छत्तीसगढ़। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो जी टाइम हो रहा है 5:20 और 4:45 से बारिश पड़ना शुरू हो गई थी। तो भाई साहब ये देखो पानी गर्म कर रहा हूँ पीने के लिए, पी लिया और यहाँ पे चाय बन गई अपनी एक साइड। और ये देखो भैया चक्कर क्या है ना, नीचे से पानी आया था, ये देखो दिख रहा हो आप लोग को, तो नीचे से पानी आया था मेरे पास, वो लिफाफा था रेनकोट जैसा वाइट कलर का, तो उसको बिछा के मैंने अपना लगेज सारा उसके ऊपर रखा हुआ है। और भैया पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, अब थोड़ा और सुबह होने की वेट कर रहा हूँ, जैसे 6:15 होता है पैक करके निकलते हैं। अपनी चाय भी रेडी है ऑलमोस्ट, निकल पड़ा हूँ मैं जी अपने राइड के लिए। तो करते हैं राइड को शुरू, लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। तो भैया जी देखो मौसम एकदम ठंडा है, सुबह तो 5 से बारिश होना शुरू हो गई थी 4:45 से, तो 5 उठ गया था मैं और फिर उसके बाद से सोया नहीं। पैकिंग वैकिंग की सामान नीचे से थोड़ा बहुत गीला हो गया, बाकी बच गया ऑलमोस्ट, कपड़े वपड़े ज़रूरी सामान बच गए हैं। तो चलते हैं भाई आज का सफ़र, देखते हैं कहाँ तक होता है। मैं भी शायद आज छत्तीसगढ़ को इंटर हो जाऊँगा, उड़ीसा को बाय बाय कर दूँगा शायद, 70 किलोमीटर के बाद छत्तीसगढ़ का बॉर्डर आ जाएगा। बाकी देखते हैं, चलते हैं आगे। ठंड है भाई, जैकेट वैकेट तो पहनना पड़ रहा है, ग्लव्स भी पहनने पड़ रहे हैं। और आगे थोड़ा आगे आ चुका हूँ यहाँ दुकान में नाश्ता करने के लिए, तो नाश्ता में देखते हैं क्या मिलता है। ये है समोसा, आलू का पकोड़ा वगैरह कुछ है यार। ये नाश्ते में ले लिया मैंने 2 इडली 2 बड़ा वो है। तो ये कुछ सर लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ से, और कुछ हेल्प कर रहे हैं स्कैन करके, ऐसा है। तो आप यहाँ लोकल हो यहाँ के? हाँ। कहाँ इधर रहते हो आगे? कहाँ रहते, कहाँ हो? गाड़ी में, गाड़ी भर। अच्छा अच्छा गाड़ी भरने आए हैं, गाड़ी भर। ठीक है, नाश्ता हो गया यहाँ पे, थोड़ा आगे आ गए चाय पीने के लिए। सर ने बोला चाय पी लो, तो एक कप चाय पी लेते हैं फिर निकलते हैं आगे यार, बाकी काफ़ी लोग हैं। ओ जी चाय पानी भी हो गया, भैया लोगों ने करवा दिया और कुछ 50-60 रुपये भी डाल दिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। चलो जी सुबह सुबह नाश्ता भी हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, चलते हैं अब। ओ जी 10:15 हो चुके हैं, तकरीबन 20-25 किलोमीटर चला चुका हूँ साइकिल। और भाई मौसम हो गया पूरा ख़राब, पूरे बादल हो गए, बारिश आने वाला है। तो कवर तो निकाल रखा मैंने लेकिन रेनकोट नहीं निकाला, वो भी निकाल लूँगा। और ये देखो रायपुर छत्तीसगढ़ रह गया 216 किलोमीटर, जिसमें से मैं आराम से आज छत्तीसगढ़ के अंदर इंटर हो जाऊँगा, क्योंकि और 50 किलोमीटर के बाद छत्तीसगढ़ स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं मौसम बारिश का आने वाला है, तो बारिश आएगी तो कवर वबर लगाते हैं और कहीं पे रुकेंगे, होल्ड करेंगे, क्योंकि रेनकोट का जो पजामा है नीचे से फट गया, ऊपर से तो ठीक है बट ये बैग सेफ नहीं है, इसके लिए कवर नहीं है। जैसे मैंने कहा था बारिश आ गई, ये देखो बारिश आ चुकी है भाई, साइकिल मैंने यहाँ लगाया हुआ है। तो अब क्या है ना, ये भी अच्छे से पैनियर बन गया, तो अब अच्छे से इसमें कवर अलग से ख़रीदना पड़ेगा मेरे को, तो इसको तो कवर है नहीं, ये थोड़ा बहुत गीला हो जाएगा, इसमें बर्तन है चलो कोई इशू नहीं, इसमें कपड़े ये गीले हो सकते हैं, बट ये ऊपर से मैंने कवर किया हुआ है, तो ज़्यादा बारिश में तो चलूँगा नहीं, कम बारिश होगी तो फिर ये कवर कर काम कर जाएगा, अदरवाइज़ बारिश काफ़ी तेज़ है। तो जी बारिश रुक गई और धूप भी निकल गई, जैसे थोड़ा आगे गया तो टायर पंचर हो गया भाई साहब आज फिर से, ये देखो अब मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल तो अभी पंचर लगाता हूँ और आगे जाके भैया आज दोनों टायर और ट्यूब चेंज करवा ही दूंगा। अब देखता हूँ आगे बाजार कितना दूर है, काम नहीं चलेगा भाई, बड़ा दुख दे रहा है यार। अभी परसों ही पंचर लगाया था, आज फिर पंचर हो गया, अब फिर सामान ताम झाम सारा उतारना पड़ेगा और पंचर लगाना पड़ेगा, यार दिमाग खराब। पंचर लगा लिया, मौसम भी साफ हो गया, धूप निकल गई है भाई, ये टायर ने बहुत परेशान कर दिया मेरे को। आज फाइनली बाजार मिले बड़ा बस, तो मैं चेंज करवा ही लूँगा दोनों टायर और आगे ट्यूब चेंज कराने पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, बार बार रुक रुक के पंचर कौन लगाते रहेगा यार। ऐसा आ गया हूँ थोड़ी आगे खाना खाने के लिए, तो ढाबा है, वेज खाना 50 रुपये है, बाकी
नॉन वेज खाना होता 80-90 रुपये, यही रेट है अपना खाना। सब्जी दाल एक और सब्जी और चावल 50 रुपये में, जितना मर्जी ले लो। तो जी खाना खा के आ गया हूँ काफ़ी आगे, तो ये सोहला करके बाजार है, बट यार यहाँ पे मिला ही नहीं, टायर वायर चेंज हुआ नहीं। सिर्फ एक चीज़ अच्छा हुआ, ये वाटर होल्डर लगवा लिया मैंने, वो चेंज तो हुआ नहीं। बोलता 40 किलोमीटर आगे छत्तीसगढ़ में इंटर हो जाओगे, वहाँ पे सरायपल्ली करके एक टाउन है, वहाँ शायद मिल जाएगा, क्योंकि ये टायर सबसे बड़े साइज के मेरे 29 इंच के, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो शायद अब 15 किलोमीटर रह गया है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, उसके बाद आज छत्तीसगढ़ में एंटर कर जाऊंगा मैं। 2:30 बज रहे हैं, तो 3-3:30 बजे करीब फाइनली 189 डेज में उड़ीसा को कर दिया बाय बाय, और अपने 14वें स्टेट में आ चुका हूं मैं। ये देखो छत्तीसगढ़ सीमा प्रारंभ, जिला मसामुंद, थाना सिंघोड़ा, आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो जी अभी मैं हूँ उड़ीसा में, और ये आ गया छत्तीसगढ़, ये इंटर हो गया जी छत्तीसगढ़ में अपने 14वें स्टेट, और साइकिल अभी मेरी उड़ीसा में है, बस अभी लेके जा रहा हूँ। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ में जी। तो जी छत्तीसगढ़ पहुँच चुका हूँ, तो पहुँचते सबसे पहले नाश्ता चल रहा है भैया अपने, समोसे 20 रुपये के 3, वाह जी देखो बड़े बड़े समोसे हैं, तो ये खाएंगे। 1 7-Up दे दो समोसे भाई, बहुत गर्म गर्म है, तो बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। यही मेरा डिनर हो जाएगा आज, क्योंकि टाइम 5 बज रहे हैं, 5:15। बढ़िया है कैसे वहाँ होते हैं, बढ़िया। तो 6:15 बजे रुकने का इंतजाम हो चुका था, ये अपना टेंट लग गया है, साइकिल वहाँ साइड में लगाइए पेड़ के नीचे। तो ऐसा कुछ था जी सफ़र आज का, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।